गलत जानकारियों का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधना कोई नई बात नहीं है और ये काम कई भाजपा नेताओं समेत आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी किया है। पिछले कुछ वक्त से जवाहरलाल नेहरू के एक इंटरव्यू की क्लिप सोशल मीडिया पर काफी शेयर की जा रही है और कहा जा रहा है कि यह वीडियो इस बात का सबूत है कि नेहरू ने ही विभाजन का निर्णय लिया था, क्योंकि वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। इस क्लिप में ऐसा क्या कहा गया है और इसके साथ लिखे मैसेज में क्या दावा किया जा रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। All involved at that point, well, before the point of independence and that partition, in the fight for independence of India from British domination. Mr. Jinnah was not involved in the fight for independence at all. In fact, he opposed it. The Muslim League was a started about 1911, I think. It was started really by the British. Encouraged by them so as to create factions in our ranks. They did succeed to some extent. But ultimately, they gave the partition. Had you and Mr. Gandhi been in favor of that? Mr. Gandhi was not in favor of it right to the end. Even when it came, he was not in favor of it. I was not in favor of it either. But ultimately, I decided, like others, like many others, में अमेरिकी टीवी होस्ट अर्नोल्ड माइकलिस ने जवाहरलाल नेहरू का इंटरव्यू लिया था। इस इंटरव्यू का ये छोटा सा हिस्सा फेसबुक और ट्विटर पर शेयर किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने ही विभाजन का निर्णय लिया था। इस वीडियो की असलियत जानने के लिए ऑल्ट न्यूज के ऐप पर भी कई रिक्वेस्ट आई है। तो क्या वाकई में जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि उन्होंने ही विभाजन का निर्णय लिया? सबसे पहले तो गौर कीजिए कि पूरे इंटरव्यू को देखे बगैर उसके एक छोटे से क्लिप से पूरी बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस दावे की सच्चाई क्या है ये जानने के लिए ऑल्ट न्यूज ने छानबीन शुरू की। 45 मिनट के इस इंटरव्यू का वीडियो यूट्यूब चैनल प्रसार भारती आर्काइव्स पर मौजूद है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अनुसार ये इंटरव्यू 27 मई 1964 का है। ये जवाहरलाल नेहरू का आखिरी इंटरव्यू है। वायरल वीडियो वाला हिस्सा इस वीडियो में 14 मिनट 34 सेकंड के बाद से शुरू होता है। वीडियो में माइकल इस पूछते हैं कि क्या जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी विभाजन के पक्ष में थे। इस पर जवाब देते हुए जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि गांधी अंत तक इसके पक्ष में नहीं थे, बल्कि जब ये हुआ तब भी वो इसके पक्ष में नहीं थे। मैं भी इसके पक्ष में नहीं था, लेकिन आखिरकार बहुत सारे और लोगों की तरह मैंने तय किया कि इस निरंतर परेशानी से विभाजन होना बेहतर है। पूरी बात समझने पर साफ होता है कि जवाहरलाल नेहरू ने ये कतई नहीं कहा था कि उन्होंने ही विभाजन का निर्णय लिया था। आगे ऑल्ट न्यूज ने सुचेता महाजन से संपर्क किया। वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज की प्रोफेसर है। उन्होंने हमें बताया कि इसमें कोई शक नहीं है कि विभाजन ब्रिटिश सरकार द्वारा लिया गया एक निर्णय था। कोई भी भारतीय पार्टी, कांग्रेस या मुस्लिम लीग इसे स्वीकार करने या न करने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए नेहरू के ये कहने का कोई सवाल नहीं है कि उन्होंने ही विभाजन का निर्णय लिया, क्योंकि तब ब्रिटिश सरकार सत्ता में थी। उन्होंने आगे बताया कि अप्रैल मई 1947 के आसपास भारत के आखिरी वाइसराय लुईस माउंटबेटन ने ब्रिटिश सरकार के परामर्श से निर्णय लिया कि विभाजित भारत ही एकमात्र समाधान है। दो स्वतंत्र प्रदेशों के विभाजन से पहले माउंटबेटन ने एक ऐसे विभाजन का प्रस्ताव रखा जहां प्रांत और रियासतें स्वतंत्र देश बना सकते थे। नेहरू ने एक पत्र में भारत को अलग करने के इस प्रयास का दृढ़ता से खंडन किया। इसके बाद दो स्वतंत्र मॉडल के तहत विभाजन किया गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें भारतीय पार्टियों के कोई दस्तखत नहीं है। इससे पता चलता है कि ये इन पार्टियों के बीच का समझौता नहीं था। यानी एक इंटरव्यू की क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए झूठा दावा चलाया गया कि जवाहरलाल नेहरू ने ही विभाजन का निर्णय लिया था। पूरा इंटरव्यू देखने पर साफ होता है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था।